सो ही वेलकम टू पॉकीमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड आज के इस एपिसोड के अंदर हमने बहुत ही कमाल की चीज़ करने वाले हैं। मतलब यार हमने लेजेंडरी पॉकीमॉन से यार मिलने वाले हैं, चलो मिलने वाले या फिर कैच भी करने वाले यार, आई रियली डोंट नो। बट यार देखो मैं तुम्हें अभी टीम दिखा रहा हूँ, तुम्हें टीम में अभी कौन कौन है। तो यार मेरे पास अभी गिबल आ चुका है, मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर गिबल पकड़ा था और तुमने लाइव स्ट्रीम देखा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। एंड बाई चांस अगर तुमने नहीं देखा था देन देखो गिबल हम लोग के पास है, साथ ही साथ हम लोग के पास ये एग है एंड इस एग के अंदर रियलू है, यानी कि लुकारियो भाई हम लोग के पास ऑलमोस्ट है। ओके तो मैं अपने इन्फर्निप भाई बॉक्स में, तो मैं इन्फर्निप को भी लेता हूँ अपनी टीम के अंदर। ऑलराइटी चाहे इन्फर्निप को अपनी टीम में ले ले। ओके तो इन्फेनिप को जो है मैं अपनी टीम में रख लूँ भाई वापस, क्योंकि इन्फेनिप तो भाई मेन पॉकीमॉन है ना, उसके बिना टीम अधूरी सी है। मूव करते इसको। वैसे यार देखो मैं गिबल को भी टीम में रखूँगा क्योंकि यार देखो मुझे इसको डेवलप करना है ऑफकोर्स। एंड देखो मैं एक को जैसे ही हैच होगा फिर मैं पीसी में डाल लूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो मुझे एक को रखना है अपने यहाँ पार्टी के अंदर, तो मुझे एक पॉकीमॉन हटाना होगा जो लाइक रफली अच्छे खासे लेवल का है। अभी मैं फिलहाल के लिए स्टैराप्टर को हटा रहा हूँ अपनी टीम से, मतलब यार देखो उसको मैं टीम में वापस ले लूँगा। तो यार देखो एक हैच होती है मैं स्टैराप्टर को वापस ले लूँगा अपनी टीम के अंदर। बट फिलहाल तो हम लोग फ्लाई करके चलते हैं, यहाँ पे लेक फेरोल हम लोग को जाना है। यप एंड यहाँ सबसे ईजिएस्ट मेरे ख्याल से पेस्टोरिया से पड़ेगा, तुम्हें लग रहा होगा वहाँ से दूर है लेकिन एक्चुअली नहीं है भाई, वहीं से सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है। अगर हम दूसरे सिटी से जाते तो वहाँ पे ना रूट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इधर से रूट थोड़ा सा ईजी है, दैट्स व्हाई मैं इधर से जा रहा हूँ। तो देखो एक्चुअली हम बहुत ही जल्दी पहुँच चुके हैं इधर भी, राइट। या तो यहाँ पे लेक फेरोल मेरे ख्याल जस्ट यहीं पर, या जहाँ तक मुझे याद है यप यहाँ पे एंट्रेंस थी यही कहीं पे। एंड देयर वी गो, हम लोग लेक वैरो के अंदर आ चुके हैं। प्रोफेसर हम लोग को यहाँ पे बुला रहे थे, यार प्रोफेसर क्या हो गया यार, टीम गैलेक्टिक है यहाँ पे, डूड कम ऑन, टीम गैलेक्टिक को तो हमें डिफीट करना है एनीवेज। बट भाई आजा भाई तू भी बैटल कर ले, बैटल नहीं कर रहा ये भाई, ऐसा है क्या यार, ये मैजिक कप यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है। वेट अ मैजिक कप इज वीकली शॉपिंग अबाउट, मतलब यार मैजिक कप को क्या ही बना रखे इधर। तो अच्छा ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लेक के जो वाटर है उनको यहाँ पे इवेपोरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉकीमन जो है ना वो ऊपर आ जा रहे हैं। तब ये क्या ही कर रहे हैं ये लोग, उनमें शायद से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी भी है, मतलब हाँ यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है यार। यार पॉकीमन को तो ऐसे मार ही देंगे ये लोग, बट क्या ही कर सकते हैं हम लोग लेकिन डिफीट कर सकते हैं इन लोगों को, तो ऑफकोर्स यार मैं डिफीट करने वाला हूँ इन लोगों को। और हाँ मैं एक और बोल दूँ कि लाइव स्ट्रीम के अंदर हम लोग का जो रोजेलिया था वो भी रोजेलिया में इवॉल्व हो चुका था। और यार अगर तुमने लाइव स्ट्रीम बाई चांस अगर मिस कर दिया है और अगर तुम्हारे पास अभी टाइम हो तो यार लाइव स्ट्रीम पक्का देखना, यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है एंड मैंने प्लेलिस्ट पे भी उसको भी ऐड कर दिया है। ऑलराइट देन इसको भी हम लोग फटाफट डिफीट करते हैं। चलो इसको हमने डिफीट कर दिया, मेरे ख्याल से इसको भी डिफीट करना होगा। बट नहीं यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर भाई घुस के देखते हैं भाई क्या होता है इसके अंदर। फेलोर कैवर्न, इसके अंदर मेरे ख्याल से लेजेंडरी पॉक में अपेयर होता है। वेट ये तो वही है ना, इसका बॉस फॉस है ये तो। कमांडर द मिशन इज प्रोसीडिंग विदाउट अ हिच, द बॉस शुड बी प्लीज। अच्छा ये कमांडर है, ऑलराइट। एंड हम लोग कुछ तो करेगा भाई, बैठे बैठे करेगा क्या। आई रिकॉग्नाइज योर फेस, यू आर चाइल्ड हु रेडेड द टीम गैलेक्टिक बिल्डिंग इन एटर्नल सिटी। यप इसको याद आ गया एंड इसको मैं फिर से क्रश करने वाला बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आ जाए भाई तू भी आ जाए। ओके कमांडर सैटन, एंड सैटन को मैं यहाँ पे बहुत ही गजब तरीके से हारने वाला हूँ ये तो भाई कंफर्म है। कडाबरा भेज रही है, और राइट कडाबरा के लिए मेरे पास कोई पॉकमेन है क्या सामने, मैं रोजरेट को सामने रखा है यार, मुझे रोजरेट को तो पीछे रखना चाहिए, लक्सरी को मैं सामने रख सकता हूँ। चलो यहाँ पे कडाबरा एक एच पी पे सर्वाइव किया है, डूड कम ऑन यार। एक और हम लोग ग्रास नॉट यूज़ करते हैं, उससे तो ये ख़त्म ही है मेरे ख्याल से। एंड देयर वी गो, बहुत सी बात हुई यहाँ पे, कडाबरा फेंटेड एंड उसका नेक्स्ट पॉकमेन लेट्स सी कौन सा होता है। और यहाँ पे गिबल का लेवल बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए। तो ऑलराइट इन्फिनिप यहाँ पे 1 HP पे सर्वाइव किया है, एंड यार इन्फिनिप भाई कमाल का पॉकीमॉन है। ऑलराइट हम लोग को हरा सकते हैं इन्फिनिप से मेरे ख्याल से, मैं स्विच भी यहाँ पे कर सकता हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो मुझे भरोसा है इन्फिनिप पे। यार क्लोज कॉम्बैक्ट मारते हैं एक लास्ट मूव, कम ऑन क्लोज कॉम्बैक्ट, एंड यार फेंट होगा ये पक्का। यप देयर वी गो भाई, इन्फिनिप है अपना अच्छा पॉकीमॉन, ये 1 HP पे रह के भी ऑपोजिंग पॉकीमॉन को डिफीट कर सकता है, इतना स्ट्रांग तो भाई अपने इन्फिनिप है ही। ओके कमांडर सैटन तो हार चुका है। चलो यार कमांडर को हारने के बाद कमांडर अभी क्या कहना चाहेंगे, गा इवन आई अ कमांडर ओनली मैनेज टू बाय अस टाइम। यार लेकिन कुछ भी यहाँ पे अकेला मैं हराने वाला हूँ तुम लोगों को, लेट्स गो यार, यहाँ पे कुछ तो मुझे और दिख नहीं रहा है। ओके अब यहाँ पे वेलोर लेक से हम लोग जाना है लेक वैरायटी, लेक वैरायटी हम लोग का यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को स्टार्टर्स मिला था, ठीक है लेक वैरायटी भी हम लोग चलते हैं, लेट्स गो भाई। आई गेस लेक वैरायटी इधर ही होगा। अब ये देखो नीचे हम लोग का होम टाउन है एंड इधर ही लेक वैरायटी था जहाँ पे हम लोग स्टार्टर पॉकीमॉन अपने मिले थे। यप लेक वैरायटी लेक फ्रंट हम लोग पहुँच चुके हैं, और भाई अंदर चलते यहाँ पे, अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है यार वो जरा हम लोग फिगर आउट करें। ओके प्रोफेसर ओवन यहाँ पे, प्रोफेसर आपको क्या हो गया, अ गैलेक्सी व्हाट टाइमिंग। अच्छा टीम गैलेक्टिक लेजेंडरी पॉकीमॉन के ऊपर पड़े हुए हैं एंड हम लोग को लूकस की भी हेल्प करना है। ऑलराइट लूकस की जगह मैं हेल्प करूँ, भाई क्या होने वाला है यार, यहाँ पे गैलेक्टिक है ग्रंट,
हम लोग को बैटल करेंगे हम लोग के साथ। चलो यार तू भी कर ले बैटल, हम हारने वाले वैसे भी यार। इनको तो हमने हरा दिया है, अब यार जरा मैं आगे बढ़ूँ यहाँ से भाई, बैटल्स तो भी और होने हैं। चलो ये लास्ट बैटल, उसके बाद हम लोग लूकस के हेल्प करेंगे यहाँ पे उस कमांडो को डिफीट करने के लिए। तो चलो यार इनको भी मैं फटाफट यहाँ पे हरा के आता हूँ यार। लेकिन इन सब बैटल्स के अंदर अपनी जो इन्फिनिट एंड गैडोस की जो पेयर है ये बेस्ट पेयर है। ओके लूकस इसको क्या हो गया, इस टीम का एक्टिव दे टुक द पॉकमैन ऑफ द लेक। भाई लेजेंडरीज ले लिया इन्होंने, दैट फेस इट ब्रिंग्स बैक बैड मेमोरीज। और मैं तेरे को फिर से बैड मेमोरीज देने आया हूँ। हाउ क्यूट यू टू थिंक यू कैन सेव द डे इन योर लिटिल गेम ऑफ अ हीरो, नॉट अ चांस, नॉट इवन अ टेन इवन, यू ऑल गोइंग डाउन। ऐसा नहीं होने वाला है मार्स, हम लोग तेरे को आने वाला है। चलो हम लोग मार्स के तीन पॉकमैन को डिफीट करते, इसके तीन ही पॉकमैन है ना। हाँ कूल बैट है सामने, मेरे सबसे स्टार्टिंग में कौन सा है, शायद से इन्फिनिट भी होगा। मैं स्विच करके लग्जरे को निकाल रहा हूँ क्योंकि हाँ लग्जरे यहाँ पे इफेक्टिव पड़ेगा और मैं बेसिकली कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे इन बैटल्स के अंदर तो खास की। तो हम लोग फिलहाल के लिए स्पार्क यूज़ करते हैं और इसको यार एक्चुअली डिफीट करते हैं। 1-8 होगा क्या, 1-8 हो गया भाई, बहुत ही अच्छे लग्जरे। अपने सारे पॉकमैन यार बिल्कुल डोप है, अपने सारे पॉकमैन एक और खास पाते हैं, अपने सारे के सारे पॉकमैन फुली इवॉल्वड है। यहाँ पर अगर गिबल को हम लोग छोड़ दे दो या उसको नया नया पकड़े ही हम लोगों ने, इतनी जल्दबाजी किया उसको इवॉल्व करने के लिए। पुरुगली आया है, उसको मैं स्विच नहीं करूँगा बेसिकली, अभी मेरे पास लग्जरी के पास मूव से उसको डिफीट कर देगा ये। ऑल राइट यहाँ पे बाइट से तो कुछ नहीं हुआ था लेकिन स्पार्क से यहाँ पे ये भी 1-8 हो गया, ये बात। अब यहाँ पे मार्स का एक पॉकमैन बचा हुआ है, लेट्स सी वो कौन से पॉकमैन यूज करना चाहती है। वो बात छोड़ कि अपने सारे पॉकमैन भाई लेवल अप हो रहे हैं जो बहुत सी बात है, ब्रॉन्ज और है तो उसके लिए हम लोग स्विच करते हैं इन्फिनिट में। लाइक यार इन्फिनिट देख सकते हैं भाई, यहाँ तो मुझे उम्मीद है। ओ शिट मैंने बी बटन दबा दिया यार, मुझे ए दबाना था मैंने बी दबा दिया। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे साइकिक एंड स्टील है ना तो सुपर इफेक्टिव, हम लोग के पास दो मूव्स है तो मैं थीफ यूज करूँ यहाँ पे, और कोई आइटम भी होगा इसके पास वो भी चला जाएगा। एंड भाई ऑलमोस्ट फेंट है ये ऑलमोस्ट फेंट था, उसने पे बैक यूज़ किया, पे बैक एक क्रिटिकल हिट लेगा लेकिन फिर भी भाई कुछ नहीं हुआ इससे। तो भाई हम लोग बहुत ही सही जा रहे हैं मेरे ख्याल से अभी, और बाइट से यहाँ पे कहानी खत्म करते हैं भाई, खत्म। मार्स को भी उन्होंने डिफीट कर दिया है, अब मेरे ख्याल से एक लेक बचा हुआ है। यू डिफीटेड कमांडर मार्स, या बेचारी मार्स तो हम लोग से हार गई अगेन एंड अगेन। या इसके साथ भाई रोज का यही सीन है, रोज इसके साथ यही होना ही है। और ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है, वॉट ये बोली इज इवॉल्विंग। या हम लोग के पास कबाइट अब आ चुका है जो बहुत ही सही बात है, एंड मेरे ख्याल से कुछ एपिसोड में ये गार्चोम्प भी बन जाएगा। गार्चोम्प में भाई ज़्यादा टाइम नहीं है इसके लिए, मैं इसको एक और स्टेज बहुत जल्दी इवॉल्व करवाऊंगा, बट या फिलहाल के लिए कंग्रेचुलेशन योर गिवर इवॉल्व इनटू गैबाइट, बहुत ही सही बात है ये। आई लॉस्ट अगेन टू फर्स्ट इट वाज द वैली विंड वर्क्स एंड नाउ इट्स लीक वैरायटी, दिस शुडंट बी हैपनिंग टू द टीम गैलेक्टिक कमांडर, काम डाउन मार्स। ठीक है मार्स अपने यहाँ पे बिल्कुल बकवास कर रही है हारने के बाद, बिल्कुल ये पागल सी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मेस्पिट एसिस एंड लुक्सी के बारे में ये बता रही है, बट नो वरीज प्रोफेसर सुनते हैं भाई क्या होने वाला है। आई सी दिस ऑल्सो ओकर एट लीक फेरॉल, Another legendary Pokemon was taken by Team Galactic. Both of you went up against full flesh criminals. The fact that you are unharmed, bhai, ho gaya bhai. Lo bahut hi sahi hai. Whatever lake accuracy is Tyson safe? Mujhe kya pata bhai Tyson kahan hai? Hum log ko next lake pe chalna hai and wo lake actually bahut zyada dur hai. Matlab hum log ko almost yahan pe Snow Point City chalna hai yaar. Athena City to hum log pahunch chuke hai. Yahan pe hum log ke paas bicycle bhi hai. एंड इधर से हम लोग यहाँ पे माउंट कॉर्नेट जा सकते हैं, एंड फिर माउंट कॉर्नेट के बाद हम यहाँ से आगे भी चलेंगे। चलो भाई ये तो सही है। अब यहाँ पे माउंट कॉर्नेट का एंट्रेंस मेरे ख्याल से यही पे है, नीचे मुझे यहाँ पे पॉकी बॉल सीख रहे हैं, मैं उसको भाई लेके आ ही जाता हूँ। इस पर भाई टॉन्ट के लिए मैंने दो दो बैटल्स कर लिया, बट चलो यार कोई बात नहीं। यहाँ पे सारे यहाँ पे नन्हे मुन्ने ट्रेनर्स है, इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा हम लोगों को। अब जरा हम लोग इसके अंदर चलते हैं, या माउंट कॉर्नेट पे हम लोग एक्चुअली आ चुके हैं। यहाँ पे तो एक्चुअली मुझे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन यार यहाँ पे मुझे एक एग्जिट दिख रहा है भाई, उस एग्जिट पे चलते हैं। लेकिन ये पॉकी बॉल ले लूँ मैं पहले, स्केप रोप मिला है और इस एग्जिट से हम लोग दूसरे रास्ते पे आ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग को एक्चुअली जाना नहीं है। वैसे तो हम लोग को फिलहाल आगे चलना है, तो ये हम लोग यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहना है। एक रेयर कैंडी के लिए यार इतने रॉक स्मैश करने पड़े अभी मेरे को, बट यार कोई बात नहीं, हम लोग रेयर कैंडी भाई ले लेंगे, ये सब बाद में हम लोग को थोड़ी बहुत काम आ सकती है। बट क्या अभी हम लोग इधर चलते हैं, और वेट अ मिनट व्हाट, अच्छा हम लोग डिफॉग यूज़ करने होगा मेरे ख्याल से, डिफॉग है मेरे पास आप देवी को जो डिफॉग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही सही बात थी भाई, फॉग गया अपना। यहाँ पे लगता है ना मेरे को जितनी भी एचएम मिले हैं मुझे सब के सब यूज़ करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पे अपने इस जर्नी में कंटिन्यू हो सकेंगे। तो यार यहाँ पे रूट्स कुछ ज़्यादा लंबी लंबी नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे एक और एग्जिट है भाई, मैं कहाँ पे निकलूँगा इधर से। ओके यहाँ से हम लोग किधर निकले, जरा मैं टाउन मैप पर चेक कर लूँ। अच्छा हम लोग इसका मतलब सही जा रहे हैं यार, हम लोग एक्चुअली सही जा रहे हैं जो बहुत सही बात है फिलहाल तो।
और यहाँ पे देखो आइस टाइप पॉकीमन होंगे, मैं बहुत ही इजिली अपने इन्फिनिट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे नॉकडाउन आया हम लोग के सामने, मुझे कोई आइस टाइप पॉकीमन आएगा बट नहीं, यहाँ पे नॉकडाउन आया है। ओके यार हम लोगों ने बहुत ही इजी यार इसको डिफीट कर दिया। अब जरा मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे देखता हूँ कौन कौन से पॉकीमन है और नीचे में चलता हूँ इधर तो अभी। ओके ऊपर मैं जाऊँगा, लेकिन क्या मुझे अभी जाना होगा ऊपर? मुझे पहले वो लेक वाला मिशन सॉल्व करना है, तो उधर मैं बाद में आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। पहले हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या जरूरत है वो करते हैं भाई। चलो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं क्या लेक के पास? नहीं, यहाँ पे रेस्ट रूम टाइप का है, बट कोई बात नहीं। दिस कोल्ड इज नथिंग बट कम्पेयर टू द फायर दैट बर्न्स इन माई हार्ट। यार इसने बात तो बहुत अच्छी हुई थी कि अपने बातों पर टिका नहीं रह पाया, हम लोगों ने इसको डिफीट भी कर दिया। वेल यार देखो हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, तो एक्चुअली हमने बहुत पास पहुँचे हैं। एंड देखो यहाँ पे बर्फ पे ना ये डिजाइंस बन रही है, मतलब ये जो मार्क्स सारे बहुत सी लग रहे हैं यार। मैं तो मन कर यहाँ पे मैं घूमते रह जाऊँ, लेकिन यार घूमना नहीं है हम लोगों को। चलो मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पे। भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, मतलब सीरियसली यहाँ पे चलने में टफ हो रहा है। ये तो बोतल ऑफ फायर मिला हम लोगों को, मतलब ये थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसा हम लोग बनाने की कोशिश की गई है। भाई यहाँ पे आइटम्स मेरे ख्याल से और मिलेंगे, मुझे और चेक करना चाहिए इधर तो। आई गेस यहाँ पे वाइल्ड पॉकीमन तो नहीं आएंगे, तो आइटम भाई मैं ले लूँ सब यहाँ पे। यार देखो रॉक क्लाइंब मिला है हम लोगों को, और ये रॉक क्लाइंब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओके हिडन ऐप में यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है रॉक क्लाइंब भी। यार लेक के हमने बहुत करीब है, लेकिन यार इसको पहले हम लोग डिफीट कर देते हैं। चलो यार ये भी बैटल उतना हार्ड बैटल तो था नहीं। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ू भाई, यार यहाँ पे चलने में तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है इधर तो। यहाँ पे बर्फीले यहाँ पे पूरे रास्ते बना के रखे हैं, बट नो वरीज हम लोग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं जहाँ तक मेरे को लगता है। क्या ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं यार, कम ऑन लेट्स गो। एक और बैटल हो गई क्या भाई? तू भी कर ले बैटल, हम लोग को बैटल के लिए कोई छोड़ता भी नहीं है। चलो इस टेन ओलिविया को फटाफट मैं डिफीट करता हूँ। रोसेलिया है ओलिविया के पास, रोसेलिया ठीक है। चलो ये थोड़ा राइम भी करके, लेकिन यार हम लोग इस राइम को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई क्या होने वाला है। रोसेलिया को वन हिट कर सकते अपने इन्फिनिट, और इन्फिनिट में भाई ऐसे कर दिया, रोसेलिया को वन हिट कर दिया। अभी मुझे एक लॉजिक बताओ, यहाँ पे सीकिंग यहाँ पे हवा में कैसे उड़ रहा है भाई? सीकिंग को पानी में रहना चाहिए, लेकिन नहीं वो हवा में उड़ रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे दुनिया के अंदर। अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो बकवास ही होगा, बट एनीवेज हम लोगों ने ओलिविया को डिफीट कर दिया है। चलो यहाँ सब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्वेटी लेक फ्रंट पे पहुंच चुके फाइनली। वी आर हियर टू मेक श्योर स्नो पॉइंट टीम लीडर डजंट डिस्टर्ब अस, ऐसी बात है क्या? तो इसका मतलब हम लोग अंदर जा नहीं सकते राइट? तो अंदर अगर नहीं जा सकते भाई फिर मैं जाऊँ कहाँ पे, ये बताओ मुझे। तो फिलहाल के लिए मैं इधर चलता हूँ, इधर से शायद से हम लोग सिटी में पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से तो। नहीं यहाँ पे पॉकी बॉल है, अल्ट्रा बॉल है, एक्चुअली अल्ट्रा बॉल लेते हैं भाई। एंड मेरे ख्याल से अब मैं नेक्स्ट सिटी के अंदर पहुँच चुका हूँ, या स्नो पॉइंट सिटी के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। और अपना जो मेन कैरेक्टर नहीं, अपना जो को कैरेक्टर है वो कहाँ खड़ा हुआ है मुझे वो देखना है। या जिमिडर कैंडिस यहाँ पे ठीक है भाई, कैंडिस तो अलग बात है जिमिडर है, लेकिन सीधे जिम तो चैलेंज नहीं करना है ना मुझे, कैंडिस से यहाँ पे मिलना है भाई। यहाँ देखो ऐसे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ये जिम को डिफीट कर दे जो आइस टाइप जिम है। एंड मेरे ख्याल से मैं अपने इन्फिनिट से पूरे जिम को KO कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। अपने इन्फिनिट की भाई लेवल दिखी जाए तो अच्छी खासी लेवल है यहाँ पे, लेवल 45 अपने इन्फिनिट पे, यार हम लोग कह सकते हैं बहुत ही इजीली, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो मुझे अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने गैबाइट को गार्चो में इवॉल्व करना है, एंड साथ ही साथ अपने गैडोस को थोड़ा बहुत और लेवल अप करना है। एंड सभी का जो लेवल है एटलीस्ट 45 तो मुझे करना ही है अभी यहाँ पे फाइनली। बट फिलहाल इस एपिसोड के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट एपिसोड में आते ही हम लोग यहाँ पे जिम को चैलेंज करेंगे, एंड हम लोग शायद से वो जिम मैच जीत भी जाए, शायद से क्या हम लोग भाई ऑफकोर्स जीतेंगे। तो तब तक के लिए तुम लोग यहाँ पे लाइक मारो वीडियो को, और चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि तुम्हें ब्रिलियंट डायमंड के और जो एपिसोड्स है उनके लिए भी तुम नोटिफाई होते रहो। और अगर तुमने पिछले एपिसोड ब्रिलियंट डायमंड के नहीं देखे हैं तुम भाई जाके देख सकते हो। एंड नाउ अब मैं तुम लोग को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।